आनंदाच्या क्षणी तुतारी वाजवली जाते हा शुभ संकेत आहे, असं विधान विजय वडेट्टीवार यांनी तुतारी या नव्या शरद पवार गटाच्या चिन्हाबाबत दिलंय. सत्ताधारी यापेक्षा वाईट काय करू शकतात? त्यांना राज्यातून बाहेर हकलून लावण्यासाठी शरद पवारांनी तुतारी घेतलेली आहे असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. नाही नाही, असं आहे की प्रश्न तुटेल शेवट हायकमांड जे म्हणेल ते तर अंतिम आहेच ना आमच्यासाठी. उद्या राहुलजी म्हटली म्हणतील किंवा मल्लिकार्जुन खरगे साहेब म्हणतील, मॅडम म्हणतील, तो अंतिम निर्णय असेल. त्यांनी सांगितलं की ते असं करा, आपलं तसंच करणार आम्ही, त्यामध्ये बदल करायचा अधिकारच नाही आम्हाला. शरद पवार को तुतारी नाही, तुतारी तो शुभ काम के लिए बसती है, अशुभ काम के लिए थोड़ी बसती है. अभी ये शुभ संकेत है, उनको तुतारी दिया है. जब सत्ता का परिवर्तन हो के महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री आएगा और वहाँ भी तुतारी बजेगी, और लाने के लिए भी बजेगी, आने के बाद भी बजेगी. तुतारी तो बजनी है. मशाल से ये जो सरकारें काम कर रही है गलत नीतियों के आधार पर, और जो अत्याचार बढ़ रहा है, रोज़ बलात्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है. रोज़ आत्महत्या बढ़ती जा रही है, खून मर्डर में तो महाराष्ट्र अभी सबसे आगे दौड़ रहा है. तो कानून सुव्यवस्था बिगड़ चुकी है, किसान परेशान है, सोयाबीन का किसान परेशान है, कपास का किसान परेशान है, प्याज का हमने निर्यात के लिए एक्सपोर्ट के लिए हमने बयान उठाया करके ढोल बजाया गया था, उसमें भी वो गलत साबित हुए. प्याज का किसान इनके आँख में प्याज निचोड़ेगा और इनके आँख भी लाल करने वाले. ये सब स्थिति जो दिख रही है, रोज़ पेपर फूटते जा रहे हैं और पेपर फोड़ा जा रहा है, पेपर के फोड़ने से माध्यम से पैसे कमाए जा रहे हैं. इसमें भी जो कंपनियां हैं सरकार को बिकी हुई है, सरकार से मिली हुई है. इसीलिए ईमानदार बच्चा जो है, होशियार बच्चा है, होना रहे, उसके साथ में अन्याय हो रहा है. और भर्ती के नाम पर पूरा महाराष्ट्र में ये सब बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि ये सब स्थिति को देखते हुए आज पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, जो भी चिन्ह मिले, चेहरा अलग होता है. चिन्ह से क्या है, चिन्ह मायने नहीं रखता, विचार मायने रखे जाते हैं. और किसके साथ में मांस है, मांस कोई कभी भी फुटीरवादियों के साथ में नहीं जा सकता है. कोई भी सर्वे करा लो, इनकी हालत तो लोकसभा चुनाव के बाद ना घर का ना घाट का ये रहेगी. और रहेंगे घाट तो वो घाट कौन सा होगा पॉलिटिकल, वो भी पता चलेगा. इनका सुसाइड इन्होंने किया है ऐसा मैं मानता हूँ. जो इन्होंने पार्टी फोड़कर चंद समय के लिए, चंद खुशियों के लिए जो कदम उठाया है, तो ये कदम इनके लिए बहुत भारी होगा. और इनका नामो निशान तक मैं दावे के साथ में कहूँगा कि आने वाले पार्लियामेंट के बाद ये दोनों पार्टियाँ जो पार्टी फोड़ कर बाहर हुए, ये दोनों पार्टियों का निशाना भी दिखेगा नहीं, ये मैं दावे के साथ कहूँगा. कांग्रेस के विधायक जिस तरह से बीजेपी में जा रहे हैं, तो शिवसेना सीटें बहुत घट के और बीजेपी के कुछ MLA आपके संपर्क में हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे संपर्क में हैं. अभी कल परसों दो बार मिल के गए, ये हमारा आशीष देशमुख हमारे हाईकमान को, वहाँ पे दाल नहीं गल रही. और दूसरी बात कहता है कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ आने वाले हैं, वडेट्टीवार भाजप में आने वाला है. वही आशीष देशमुख चार बार मिल के जाता है पिछले दरवाजे से. अब इसको क्या कहे, कौन सी ईमानदारी कहे? आशीष देशमुख पुन्हा येऊ इच्छित आहेत का? जागा काही मागत भेटून गेले मागच्या दरवाज्यातून दोन वेळा आम्हाला. क्या लगता कि कितने विधायक? अरे जिनके खून में बेईमानी है, बार बार पलटा बदलते, वो ईमानदारी की भाषा क्या करेगा? बार पहले बीजेपी में, बाप फादर कांग्रेस में थे आशीष के, बाद में वो भाजप में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजप में गए. अब कभी खो खो खेलता है, कभी कबड्डी खेलता है. अब इसको लंगड़ी खेलने के दिन आएंगे इसके. हाँ, अगले हफ्ते मोदी जी विदर्भ के दौरे पे हैं, क्या कहेंगे यवतमाल आने वाले प्रधानमंत्री? आए और किसान को जो शब्द दिया था मोदी जी ने, वो पूरा करे. पहले 2014 में जो दिया था वही शब्द पूरा किया, तो विदर्भ के किसानों को बहुत कुछ मिल गया ऐसा मानेंगे और किसान ढोल बजाएंगे. अशोक सर, मराठीत सांगल काही भाजप.